इस असेंबली को तोड़ा नहीं जाता तो यह आवाम अभी तो सिर्फ ट्रेलर था, अभी सिर्फ एक ट्रेलर था, अभी फिल्म चलना बाकी है। आप देखेंगे कि 6 दिन के अंदर अंदर अगर इलेक्शन अनाउंस नहीं होता और असेंबली नहीं तोड़ी जाती तो ये इससे डबल पब्लिक सड़कों पे होगी। और इमरान खान एक बार फिर मार्च की क्यादत करते हुए इधर इस्लामाबाद में सबको वेलकम करेंगे और आप देखेंगे कि फिर हम उस वक्त तक बैठे रहेंगे जब तक असेंबली तोड़ नहीं दी जाती। इसलिए इमरान खान साहब ने जो टाइम दिया है, और एक बात करता चलूं आखिर में, एक बात कि जब जब इन्होंने लॉन्ग मार्च किया, इन्होंने मार्च की कॉल दी, इमरान खान साहब की हुकूमत थी, कहीं कोई रुकावट खड़ी नहीं की, कोई एक इनके बंदे को जेल में नहीं डाला, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, इन्हें कहा आप आए, बल्कि वेलकम किया, कहें आप आए जी आया नू, अगर कंटेनर चाहिए कंटेनर देंगे, खाना चाहिए खाना देंगे, हमने वेलकम किया। मौलाना फजल रहमान ने मार्च किया, हमने वेलकम किया। बिलावल ने मार्च किया, डी चौक पहुंचे कहां पे टांगी मार्च था वो, वेलकम किया। मरियम नवाज ने मार्च किया, हमने वेलकम किया। इन्होंने इंफरादी तौर पे तमाम पार्टियों ने, पीडीएम ने इज्तमाही तौर पे कई कई बार इस्लामाबाद का रुख किया, मार्च किए। इमरान खान ने तो कुछ नहीं किया, क्यों? क्योंकि इमरान खान को कोई बौखलाहट नहीं थी, इनकी बौखलाहट और पैनिक इनकी हरकतों से आश्कार है। और आखिर में यही कहूंगा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन।